गुड मॉर्निंग। आज की अपने इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक दो क्लास अपने शूट किए है, उसमें कुछ जानकारी मिली है कि अपना जो लेवल है थोड़ा मतलब टफ है, तो इसके लिए मैं थोड़ी आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसा कि अपन ने कई बार देखा होंगे, कहीं घर वगैरह बनाते हैं तो उसको घर बनाने से मान लो दीवारें बना दी अपन ने, अब दीवारें बना दी तो अब दीवारें बनाने के बाद अपन मान लो कंक्रीट डालना है तो क्या अपन सीधे कंक्रीट डालते हैं उस छत के ऊपर? ऐसा नहीं करते हैं। सीधे कंक्रीट में डाल के अपन क्या करते हैं, पहले उसके लिए अपन एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे को बना के लकड़ियों के पोल के माध्यम से उसको मजबूत बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर तारों वगैरह के माध्यम से पूरा एक लेयर बना दी जाती है और फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है और काफ़ी दिनों के बाद वापस जब वो स्थिर हो जाता है तो वो पोल है जो हटा दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो अभी अपन के जो पार्ट लेसन चल रहा है, पहला लेसन, वो अपने ये जो अपने मकान की जो दीवारें बनाई है उसके ऊपर एक ढांचा तैयार कर रहे हैं ताकि उस ढांचे के ऊपर ये पूरी किताब है टिक सके। यानी जितने भी स्रोत हैं वो हर प्रत्येक पार्ट में अपन पढ़ेंगे तो प्रत्येक पार्ट में वो स्रोत किसी न किसी रूप में काम आने वाले हैं, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, चाहे अपने वो जो पाषाणिक या जितने भी जो प्रागैतिहासिक या जितने भी अपन को जो स्तंभ है वगैरह जो भवन है भग्नावशेष है, वो सारी जानकारियाँ अपने किसी न किसी रूप में इन स्तंभों के रूप में काम में आएगी। तो फिर इसके बाद में जैसे अपने दिमाग में जैसे लेयर बन जाएगी तो आसानी से जो अपन जानकारी डालेंगे वो जानकारी उसमें फिक्स होती जाएगी, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है तो उनमें कहाँ जो बात सेट होनी है वो अपने आप ऐसे होती चली जाएगी। तो पहला पार्ट थोड़ा अपने टफ पड़ता है और इसको समझने के लिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ ताकि अगले वाले पार्ट है जो आसानी से समझ में आ जाए। तो ये मुख्य बात, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो उसको वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आप भी आगे शुरुआत करते हैं। भारत के वैभवपूर्ण अतीत के पार्ट में अपन ने अब तक जो मुख्य रूप से रिविजन किया है, जो स्रोतों के बारे में पढ़ा है, स्रोतों के बाद में मुख्य रूप से तीन बातें दे रखी है अपनी इस किताब में, ट्वेल्थ की किताब में, जिसमें उसने बताया कि वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। अब भारत की उपलब्धियों के बारे में अपन पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि भारत को क्या कहा जाता है, विश्वगुरु कहा जाता था पहले। यानी पूरे विश्व के अंदर जो भारत के विश्वविद्यालय है, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये जिस प्रकार अभी वर्तमान में ऑक्सफोर्ड है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं विश्व की, उनसे भी उस समय की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रूप में इनका नाम लिया जाता है। इनका उल्लेख है एहसान फायन वगैरह ने भी किया है कि यहाँ पर 10,000 के आसपास जो शिष्य और गुरु रहते थे और वहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। कई सारे राजा महाराजा है जो गांवों का दान करते थे ताकि वहाँ पर वो छात्र पढ़ सके। तो इसीलिए भारत को क्या दर्जा दे रखा था, विश्व गुरु का। तो ये अपने भारत के लिए बहुत वैभव की बात है। इसके अलावा अपन और जो शब्द लें कि भारत क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी है जो अपना क्या है, एक परिवार है। पूरी पृथ्वी है जो अपना परिवार है और अपने जिस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों का अपन कभी बुरा भला नहीं सोचते हैं, वैसे के वैसे अपने पृथ्वी के जितने भी संतति है, पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, हमको उनके बारे में बुरा भला नहीं सोचना है या उनके कल्याण का ही कार्य करना है। तो वसुधैव कुटुंबकम के नारे दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे अपन बात करते हैं, इसमें चार पाँच आपके के नारे जिसमें मुख्य रूप से माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या, यानी माता भूमि है और उनके जो पृथ्वी पे जितने भी संतति रहती है वो उसके सारे क्या है, पुत्र है। तो ये जो बातें हैं ये अपने लिए भारतीय इतिहास के लिए बहुत वैभव की बात है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भारत को पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया मतलब भारत के अंदर पूरे विश्व का सोना। अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो व्यापार संतुलन की बात करें तो जिस देश का निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है उस देश का जो अपने व्यापार संतुलन होता है वो उस देश के पक्ष में होता है। यानी निर्यात ज़्यादा होगा तो विदेशी जो सामान है ज़्यादा पाएगा और उस समय भारत के अंदर जो निर्यात तो होता है ज़्यादा, जैसे भारत का जो मलमल वगैरह या विभिन्न प्रकार के जो सूती वस्त्र वगैरह है पूरे विश्व में, यूरोप के देशों में वगैरह, इनकी बहुत बड़ी मांग थी। इसके अलावा जो अपने काली मिर्च वगैरह इनकी भी बहुत ज़्यादा मांग थी। तो ऐसे में उस समय आयात तो बहुत ज़्यादा होते थे, कम होते थे और निर्यात बहुत ज़्यादा होते थे, आयात कम होते थे और निर्यात ज़्यादा होते थे। तो उस समय आयात निर्यात का जो माध्यम था मुख्य रूप से मुद्रा के रूप में वो सोने का प्रचलन था, सोने चांदी की धातुओं के रूप में प्रचलन था। तो इसीलिए पूरे विश्व के अंदर का सोना है जो भारत में आ जाता था। और इसके बारे में पिल ने कहता है कि मुझे मेरे यूरो जो अपने इसमें यूरोपीय देशों से संबंधित था तो वो कहता है कि मुझे मेरे देश की दशा पर रोना आता है कि जिस प्रकार सारी नदियाँ हैं जो अपना जल लेके कहाँ जाकर डाल देती है, समुद्र में डाल देती है, तो वैसे के वैसे पूरे विश्व का सोना है जो भारत में
में आकर क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। तभी अपन ने देखा है कि भारत में तत्कालीन समय में जो मंदिर वगैरह थे वो बहुत ही मतलब धनधान्य से परिपूर्ण थे। जैसे बात करते हैं सोमनाथ के मंदिर वगैरह की, जिसको कई बार लूटा गया, तो उस समय ये मुख्य कारण विदेशों में जो आक्रमण हुए भारत में, विदेशी आक्रमण होने का भी एक मुख्य कारण था कि भारत है उस समय बहुत ही समृद्ध अवस्था में था। तो ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में भारत का क्या है, वैभवशाली होने का एक कारण है। तो ये इसके अलावा और भी इसको क्या कहा जाता है, अपने भारत की और संकल्पना क्या थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। यानी किसी का सभी का कल्याण होना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मन वसन से भी किसी को अपन को भारतीय है जो दूसरों को दुखी होते हुए नहीं देख सकता है। तो भारत की जो सोचने की समझने की जो क्षमता थी, भारत कभी भी मन वसन से भी किसी का भूला भला नहीं सोचता था। इसीलिए भारत का जो वैभव है, ये उपलब्धियाँ है, वो सबसे महान मानी जाती है। तो अपन को गर्व होना चाहिए कि अपन ऐसे देश में निवास करते हैं। तो ये अपने तत्कालीन समय की भारत की वैभवशाली उपलब्धियाँ थी। इसके बाद में अब कि भारत का कैसे आसपास के जो देश है वहाँ पर कैसे मान्यता हुई, आज भी अपन देखते हैं चीन के अंदर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जापान के अंदर भी हुआ, अपने नेपाल भूटान आसपास के जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, जैसे बात करें अपने दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश है, जावा, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इसके अलावा मध्य एशिया की बात करें खोतान, कासगर वगैरह जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अपने भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। तो अब देखो इस संस्कृति का प्रचार, अब देखते हैं मान लो कोई राजा है और वो आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा, तो वो दो या चार या पांच क्षेत्रों को जीत पाएगा, पूरे आसपास के क्षेत्र को सभी को नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर शांतिपूर्ण रूप से वह कोई ऐसी तत्वों से प्रचार करे, जिस प्रकार अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ है, वो युद्ध या सैनिक गतियों से न होकर अन्य जो ज्ञान विज्ञान तकनीकी के माध्यम से जो भारतीय ज्ञान विज्ञान था, धर्म था, उनके माध्यम से इनका प्रचार हुआ और जिसके कारण से विश्व के बहुत जो ज़्यादा क्षेत्र में है इसका प्रचार हुआ। तो मैंने बता ही दिया, पहले सबसे पहले अपन बात करें मध्य एशिया के क्षेत्र है तो खोतान और कासगर में इसका प्रचार हुआ। इसके अलावा अपने चीन होते हुए जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इसके अलावा अपन ये मान लो ये भारत है तो यहाँ पर ये मध्य एशिया का क्षेत्र हो जाएगा, ये चीन वगैरह वाला और अपने कोरिया और जापान वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र जिसमें जावा, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में भी इसका प्रचार हुआ। इसके अलावा अरब देश, इस तरह पढ़ते हैं अरब देशों से भी भारतीय संपर्क में रहे, यहाँ पर भी यहाँ से भी अल मसूदी वगैरह जो अनेक अलबिरुनी वगैरह जो भारतीय में आए और तत्कालीन समय की भारतीय ज्ञान विज्ञान को उन्होंने पहचाना, उनको देखा और इनका प्रचार किया। देखते हैं अपन इस किताब के माध्यम से कि कौन कौन से जो मुख्य रूप से बात करते हैं। तो भारतीय जो संस्कृति का प्रचार है सैनिक रूप से न होकर एक सांस्कृतिक विनिमय के रूप में भारतीय संस्कृति का इसमें प्रचार हुआ। फिर इसके बाद में और देखें, मैंने चीन में भी बताया कि भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। तो चीन की जो दीवार बनी है उस दीवार के जो कई दरवाजों पर संस्कृत के अंदर श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत के अंदर श्लोक लिखे हुए हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है, चीन की दीवार आज तो बनी नहीं, बहुत हजारों साल पहले बनी है, तो उस समय भी जो संस्कृत के श्लोक से अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय संस्कृति का यहाँ पर भी महत्व था और उसमें लिखा गया है कि भाई यक्षों द्वारा इस क्षेत्र की रक्षा की जाए। जो यक्ष भारतीय संबंध मतलब धर्म से संबंधित रखते हैं तो उसमें दरवाजे पर लिखा गया है कि यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। तो इसके बाद में इसके अलावा बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं जिन विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। जैसे बात करें मयूर नामक विद्वान हुआ है, उसने कहा कि भाई प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता और विविधता और वनस्पति के उत्पादन की समूची दुनिया में इसकी कोई बराबरी नहीं है। यानी भारत के अंदर जो अपने जिस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है और विविधता पाई जाती है, ऐसी पूरे समूचे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा वाल्टियर, जिसने बहुत बड़ी बड़ी कोटेशन कहे हैं चीन की दीवार के बारे में, कहा कि भाई जो अपने मिस्र के बारे में तो ये कहा है कि नील नदी है जो मिस्र का वरदान है, वॉल्टेयर ने कहा है। इसके अलावा इन्होंने चीन की दीवार के बारे में कहा कि भाई मिस्र के जो पिरामिडों के आमने सामने हैं, चीन की दीवार एक सिटियों के घर के समान लगती है। तो ऐसे बहुत बड़े महान विद्वान हुए हैं वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर ने भी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है, इन्होंने ये बताया है कि ऋग्वेद की एक इनको प्रति भेंट की गई, तो उसमें बताया कि जब मैंने ऋग्वेद को ये प्रति को पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको पढ़ने के बाद में लगभग दूसरे कोई इसके सामने ग्रंथ है जो टिक ही नहीं पाए, इसमें इतनी सारी जानकारी दे रखी है। मतलब उसने इसके महत्व को बताया ऋग्वेद के। तो ये तत्कालीन समय के जो भारत को वैभव को बताते हैं और उस वैभव का कैसे दूसरे देशों में प्रचार हुआ उसकी जानकारी अपन को इन लेखकों के वगैरह के माध्यम से मिलती है। और अन्य जो इसमें मुख्य रूप से मैक्स मूलर वगैरह ने भी बहुत सारे इसके बारे में भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी अच्छी बातें की है। इसके अलावा
अलावा अपन को और जो भारत की विदेशी संस्कृति में कहाँ कहाँ प्रचार हुआ उसकी जानकारी मिलती है, तो अपने जो एक क्षेत्र है, जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है अग्निपुराण, अग्निपुराण में जम्बूद्वीप नाम का एक, मतलब भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है वो उस समय बताया गया है। इसके अलावा भारत के आस पास के जो 9 द्वीप थे, जो छोटे छोटे जो मैंने बताया जावा, मलाया, सुमात्रा वगैरह, उनके बारे में इसके दीपांतर के रूप में जाना जाता है, दीपांतर के नाम से जाना जाता है। दीपांतर मतलब दीपांतर यानी 9 द्वीपों का समूह, 9 द्वीप है इसमें जो आसपास भारत के आसपास के जो क्षेत्रों के द्वीप है उनको इसके अंदर भारत के क्षेत्र में ही माना गया है। इसके अलावा अपन बात करें तो भारतीय संस्कृति का प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण जो रोल निभाया है दक्षिण भारत के जो राजाओं की बात करें तो 16 राजा है जिसमें अपने राजेंद्र प्रथम, राजा प्रथम वगैरह, उनके बारे में तो उनके ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि भाई उनकी जब वो समुद्र में अपने नौकाओं लेकर चलते थे तो आसपास के जो सभी राजा है बहुत ज़्यादा डर जाते थे, समुद्र के तूफान भी उसके साथ में डर जाते थे। तो ये सारी बातें हैं जो तत्कालीन समय में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार की बात करते हैं। इसके अलावा चोल के शासक है जिन्होंने चीन के अंदर भी अपने दूत भेजे हैं। सम्राट अशोक की बात करें तो अशोक ने भी अपने भारत के जो संबंध बढ़ाने के लिए अपने श्रीलंका वगैरह में भी अपने पुत्री और उसको उनको भेजे थे। इसके अलावा तिब्बत में भी अपने दूत भेजे हैं। इसके अलावा चीन वगैरह में भी अपने दूत भेजकर वहाँ पर अपने भारत के अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो अपन बात करें कुषाण वंश के शासकों द्वारा जो रेशम मार्ग वगैरह नियंत्रण करके वहाँ पर भी विभिन्न धर्मों का वगैरह प्रचार किया है जो अपने आप में भारतीय संस्कृति का विदेशों में क्या करता है, संचार करता है। इसके अलावा जो अपने कंबोडिया है में जो कंबोडिया के अंदर वगैरह मंदिर वगैरह मिले हैं, इसके अलावा जो बोरोबुदुर के वगैरह मंदिर मिले हैं वो भी तत्कालीन समय में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार की बात करते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में ब्राजील की बात करें, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, तो वहाँ पर आज भी जो अपने विजयदशमी का जो भारत में त्यौहार मनाया जाता है ऐसे वहाँ पर भी त्यौहार वगैरह जो विजयदशमी और ये जो रामायण से संबंधित है वो कुछ कुछ त्यौहारों को मनाया जाता है। इसके अलावा जालवा, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया में जो रामायण वगैरह को आज भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, भारतीय त्यौहार वगैरह को वहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति का विदेशों में संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो ये जब भारत का वैभव बढ़ा और वैभव के कारण विभिन्न माध्यमों से संस्कृति का आसपास के देशों में क्या हुआ है, प्रचार हुआ है। उसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसके अंदर बताया है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। जैसा कि नाम से पता चलता है नाविक शक्ति, नाविक का मतलब क्या हो जाएगा, जल के माध्यम से। जो वर्तमान के अपन मानना है कि भाई भारत की जो समुद्र मार्ग से किसने खोज की है, वास्को डी गामा ने की है, इसके अलावा अमेरिका की खोज किसने की है, कोलंबस ने की है, तो अपन का अनुमान आता है कि भाई इसी समय शायद नौकायन की शुरुआत होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, भारत में इससे पूर्व हजारों सालों पहले नौकायन की शुरुआत हो चुकी थी। अपने विभिन्न भाषाओं में इसका नौकायन का माध्यम दे रखा है कि किस भाषा में किसको क्या कहा जाता था। तो पहले है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में इसको नव शब्द से लिया गया है। फिर उर्दू भाषा में इसके अंदर अपने नाम दे रखा है नाव, नाव या इसमें भी नव से दिया गया है। अंग्रेजी में नेविगेशन, नेविगेशन, ये अलग अलग इसके नाम मिलते हैं नौकायन के। तो अब इन माध्यमों का कैसे विकास हुआ और भारत में अपन को कहाँ कहाँ से इसके स्रोत मिलते हैं कि भाई भारत में पहले से नामों का प्रचलन था, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। जैसे अपने फायान बात करें भारत के, मैंने बताया था कि भारत के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, इससे पहले जो अपने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायान। अब फायान क्या था, पहले आया तो था चल के मध्य एशिया होते हुए अपने जो हिंदुकुश पर्वत से होते हुए अपना भारत मान लो, तो यहाँ से चीन है, चीन से यहाँ से घूमता हुआ अपने भारत में प्रवेश करता है और अपने उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत से प्रवेश करता हुआ उत्तर भारत में होता हुआ दक्षिण में जाता है और दक्षिण से फिर वह नौका के माध्यम से क्या करता है, चीन और फिर जावा मलाया होते हुए वापस कहाँ जाता है, चीन जाता है। तो ये तत्कालीन समय के फायान ने जो अपना यात्रा वर्तान लिख किया फूकियो की, उसमें उसने पूरा इसमें नौकायन के बारे में विवरण दिया। तो अपन बता सकते हैं भाई गुप्त काल के समय भी क्या है, नौकायन व्यवस्था थी जो अपने उन्नत अवस्था में थी। तो ये अपन को तत्कालीन समय के नौकायन के उदाहरण देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चोल काल के अंदर जब चोल राजा थे उनकी नावें जब समुद्र में उतरती थी तो ऐसा कहा जाता था कि भाई ग्रंथों में लिखा गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा गया है, लेकिन बात कहते हैं कि भाई जैसे चोल राजाओं के जो जहाज पानी में उतरते थे, पानी है जो समुद्र है, समुद्र का जो तूफान आते थे वो तूफान अपना रास्ता मोड़ के उनके साथ में चलने लग जाते थे। तो ये अपने तत्कालीन समय में मान लो तूफान नहीं मुड़ता होगा, लेकिन इस बात से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जो नौसैनिक शक्ति कितनी मजबूत होगी इसकी अपन को जानकारी मिलती है। तो इसी नौशक्ति के बल पर, इसी नौशक्ति के बल पर जो जावा, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया जो दीपांतर क्षेत्र थे, दूर दूर वाले क्षेत्र थे, उनके ऊपर भारत ने क्या किया है, कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की है।
इसके अलावा अपने बात करें, सबसे प्राचीन जो अपन को जानकारी मिलती है अपने यहाँ पर इसमें दे रखा है एक लोथल। अगले जो टॉपिक होंगे उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे लोथल। लोथल क्या है? ये एक अपने लोथल हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन स्थल है। उन स्थलों में गुजरात के अंदर प्राप्त हुआ एक स्थल है लोथल। अब ये सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है लोथल। अब इस लोथल की क्या विशेषता है? यहाँ पर जो समुद्र के आसपास जो गुजरात वाला अपना हिस्सा है, यहाँ पर जो समुद्र के आसपास वाला है वहां पर एक अपन को बंदरगाह मिला है। बंदरगाह या डॉकयार्ड या बंदरगाह, जहाँ पर क्या करते हैं जहाजों को अपन खड़ा करते हैं और उसमें सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। तो ये डॉकयार्ड के रूप में मिला है, जो आज लगभग अपन बात कर सकते हैं 2200 साल पहले, लगभग अभी 2000 चल रहा है और उससे पहले 2400 यानी लगभग 4400 साल पहले उससे आसपास ये अपन को बंदरगाह मिला है। अभी मैंने बताया था कोलंबस और उन्होंने तो अपने 1700 के आसपास भारत की खोज और इसकी अमेरिका की खोज की है, लेकिन इन्होंने 4400 साल पहले अपन को ये बंदरगाह मिला है। तो और बंदरगाह में उसमें अपन को जो बहुत बड़ी एक दीवार मिली है पूर्व पश्चिम की तरफ, और इसके अलावा जहाजों को वगैरह रुकने के जो अपन को ठिकाने मिले हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका नौकायन का जो अपने पॉइंट लिखा है, नौकायन नाविक शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और बताया जाता है कि भाई तत्कालीन समय में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण अपने इसका अपना क्षेत्र था। इसके अलावा यहाँ पर जो अपन को विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं वगैरह मिली है, जैसे जो गोल मुद्रा मिली है, तो इनसे तत्कालीन समय की जो भारत के साथ साथ पैरेलल में चलने वाली जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया है, इसके अलावा जो प्रमुख प्रमुख यूनान मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता है, उनसे उनकी भी अपन को क्या मिलती है, मिस्र ईरान वगैरह की सभ्यता की भी अपन को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जो अपने मौर्य वगैरह से तत्कालीन समय में यहाँ के व्यापार वाणिज्य का, भारत के व्यापार वाणिज्य का मिस्र है मेसोपोटामिया है उससे व्यापार वाणिज्य के संबंध की जानकारी मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण स्रोत हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक स्रोतों के रूप में एक बताया था पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक किताब का नाम बताया था, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। अब ये इसमें सी मतलब समुद्र। अब मैंने बताया कि इसमें इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं मिलता है, लेखक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इस किताब के अंदर जो बातें दे रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जो भारत के बंदरगाह थे इस तरफ के, जो अरब सागर वाले बंदरगाह है, उनमें दो बंदरगाह, एक तो ब्रूकच और एक सोपारा नामक बंदरगाह है, उनका उन्होंने विशेष उल्लेख किया है। और यहाँ से जो काली मिर्च वगैरह का व्यापार होता था इनका इन्होंने बहुत बड़े अच्छे से उल्लेख किया है। इसके अलावा इनके अन्य जो बंदरगाह थे अपने तत्कालीन समय में के जो प्रमुख प्रमुख बंदरगाह थे उनका भी इन्होंने कौन कौन से बंदरगाह के बारे में बताया है। तो प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में एक सोल, दबोल, राजपुर, मालवण, गोवा, कोटायम, कोणार्क, मच्छुलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम और ये इस तरफ के बंदरगाह है, इनकी भी ये क्या देता है, जानकारी देता है। तो ये तत्कालीन समय का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भारतीय नेविगेशन शक्ति का। तो इससे पता चलता है कि वे भारतीय है उस समय अपनी श्रम अवस्था में था, अपने जो स्थिति में मजबूत था और भारत का वैभव है पूरे विश्व में क्या था, फैला हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। इसके अलावा एक जो धार के राजा हुए हैं जिनका नाम था भोज, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था युक्ति कल्प तरुण। धार का जो राजा था जिसका नाम था भोज नामक राजा है, धार क्षेत्र का राजा है, और उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था क्या था, युक्ति कल्प तरूर। अब इस ग्रंथ में इसने क्या लिखा है कि नौकायन बनती कैसे है, उनका निर्माण कैसे होता है, कि उनको कितने समय तक क्या क्या कनेक्ट रखना चाहिए और उनको अगर टूट फूट हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय जो समुद्र बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं तो उसमें रास्ता भटक सकते हैं, वर्तमान में जैसे अपने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस समय दिशा को जानने के लिए एक नाविकों के लिए भारत के अंदर एक यंत्र का प्रचलन था जिसे लोह मत्स्य यंत्र के नाम जाना जाता है। लोह मत्स्य यंत्र मतलब मछली और लोह से बना हुआ एक यंत्र जिसके माध्यम से अपन को क्या दिशा की जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये तत्कालीन समय का भारतीय नौकायन के बारे में अपन को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके अलावा मेघस्तनीज ने भी अपनी पुस्तिका के अंदर इसका उल्लेख किया नौकायन शास्त्र की भारत के अंदर। और इसके अलावा भारत की जो
आंतरिक नौकायन भी तीन प्रकार का होता है। अपने जो आंतरिक नौकायन है वो नदियों के माध्यम से होता था, तो नदियों के माध्यम से जो यमुना है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र वगैरह, इन नदियों के माध्यम से जो व्यापार वाणिज्य होता था, इनकी भी अपन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा काल के जो अपने महत्वपूर्ण नदियाँ थी, जिनका नाम है सरस्वती नदी है, ये अपने सिंधु नदी है, तो इन नदियों में भी तत्कालीन समय में नौकायन के अपन को बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसके अलावा जो चित्रों में वगैरह भी अपन को जो तत्कालीन समय के चित्र वगैरह है उसके अंदर भी नौकायन के वगैरह अपन को चित्र मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई उस समय में भारतीय नाविक शक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत अवस्था में थी। ठीक, तो अभी इससे अपन आगे लेते हैं जो अपना नेविगेशन सिस्टम पढ़ा, उसके बाद में इसका अगला अपना भारत के वैभवपूर्ण वाले अतीत है, इसी पार्ट के अंदर अगला टॉपिक है भारत के प्रागैतिहासिक एवं पाषाण संस्कृति। जैसा कि नाम से पता चलता है, अपन ने इससे पूर्व के अध्याय में मैंने एक बार बताया था कि ऐतिहासिक स्रोत से अपन को लिखी हुई जानकारी मिलती है, और प्रागैतिहासिक में मतलब जिसमें अपन को तत्कालीन समय के केवल अपन को पाषाणिक उपकरणों के माध्यम से ही जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको पाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके जानकारी का मुख्य स्रोत अपन को कौन से मिलेंगे, पाषाण उपकरण। अब इस पाषाणिक जो संस्कृति है वो इसके अपन को भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं वो शिवालय की पहाड़ियों में लगभग 20 लाख साल पूर्व के जो अपन को अवशेष मिले हैं पत्थरों के पाषाण उपकरणों के रूप में अपन को मुख्य रूप से अवशेष मिले हैं। अब जैसा कि मैंने आपके सामने एक सारणी बनाई है, जो पाषाण है, पाषाण कला है, पाषाण काल है, उसको अलग अलग रूपों में तीन कालों में बांटा है, जिसमें पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल। कितने कालों में बांटा है? तीन कालों में। फिर इस पूरा पाषाण काल तीन, ये तो दो एक सिंगल ही है, लेकिन पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्यम पूरा पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब जब पाषाण काल एक ही है, सारा पाषाण काल एक ही है, तो भी उनको इतने भागों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी? तो तत्कालीन समय में जो पाषाण उपकरण थे उन उपकरणों की क्वालिटी के आधार पर, उन उपकरणों के उपयोग के आधार पर, उन उपयोग जो निरंतर रूप से परिवर्तन हुआ उसके आधार पर इसको अपने विभिन्न भागों में बांटा गया। यानी सबसे जो प्राचीन उपकरण है वो उपकरण थे जो हस्तकुटार वगैरह अपन को मिले, हस्तकुटार जो हाथों से, अब वो पत्र थे जिनके अंदर मतलब ज़्यादा उनको सही रूप से घड़ा नहीं गया था, अव्यवस्थित प्रकार के थे। तो अपने पाषाणिक उपकरण इनको एक तरफ से तीखा कर दिया गया काटने के वगैरह उपकरणों के रूप में, लेकिन वो इतने सुगढ़ नहीं थे कि उनको बहुत अच्छे से या अच्छी रूप में रखा जा सके, तो वो हो जाएंगे अपने पूरा पाषाण काल में। फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल आता है, इसमें पूरा पाषाण काल में लगभग मानव है जो केवल गुफाओं और कंदराओं में रहता था, वहीं पर निवास करता था। ये सारे जो तीनों निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, इस समय जो मानव है पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता था, और उन्हीं में उनका रहने का वगैरह स्थान से जो अपन को चित्र वगैरह मिले हैं गुफाओं में वगैरह, वो अपन को मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों के मिले हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा सभ्य हुआ और वो इन गुफाओं से निकलकर कहाँ पर आया, जो अपने नदी मार्गों में नदी क्षेत्रों में आकर निवास करना शुरू कर दिया, और लोगों ने थोड़ा आसपास के लोगों के द्वारा सुरक्षा के माध्यम से शिकार वगैरह करना शुरू किया। अब इस समय तक थोड़े उनके जो हथियार थे उनमें परिष्कृतता आई, और इन हथियारों के साथ में उन्होंने जो पशुओं के हड्डियाँ वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से लकड़ियाँ वगैरह जोड़ के जैसे ये जो हथियार बना दिए, तो इनके माध्यम से अब इनके अंदर थोड़ी जो शिकार वगैरह करने में थोड़ी अपने तकनीक का विस्तार हुआ। इसके अलावा इसके साथ में यहाँ पर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो अभी नाम सुना होगा मिसाइल, वर्तमान में मिसाइल वगैरह का महत्व ज़्यादा है, लेकिन उस समय मिसाइल तकनीक का प्रयोग है, जो जैसे अपन बात करते हैं तीर और कमान की, तो उस समय तीर कमान भालों का आविष्कार हुआ, भालों के अंदर भी अपने मुख्य रूप से जो भालों के अंदर मुख्य रूप से अपने आगे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो वर्तमान में अपने बड़ी बड़ी मिसाइलें उसका मतलब है ना छोटी, मतलब उसमें मान लो कोई हड्डी का जो आगे का सीधा लगा दिया और पीछे उसको धनुष के रूप में, और इसके कारण क्या प्रयोग सफल हुआ, उस समय केवल पहले जो स्थल वाले पशु थे उन्हीं का शिकार होता था, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, अब वो पक्षियों का वगैरह भी शिकार करना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा शिकार में विभिन्न पशुओं का साथ भी लेना शुरू कर लिया इन्होंने। लेकिन इस समय तक अभी तक पशुओं का दूध के उत्पादन के रूप में भी पालन होना शुरू होना था, और उसका शुरुआत होती है अपने नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अंदर मानव है थोड़ा बहुत और ज़्यादा सभ्य हुआ, उन्होंने ये अपने तन को ढकना शुरू कर दिया, और इसके अलावा उस समय एक आग का आविष्कार हुआ, और आग के आविष्कार होने के साथ ही उन्होंने जो परंपरागत तरीका था कच्चा मांस वगैरह खाने का, उसकी जगह उन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू कर लिया। पहिए का आविष्कार हुआ इसी समय,
तो जिसके कारण जो इनके मर्दमान वगैरह बन रहे थे वो परिष्कृत रूप में बनना शुरू हो गए पहिए के आविष्कार के कारण। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो आविष्कार थे, इसीलिए नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में मानव है जो पूर्ण रूप से इस तरह अब तक जो मानव था वो घुमक्कड़ प्रजाति का था, यानी एक क्षेत्र में रह रहे हैं। उस समय खाद्य संग्राहक यानी खाने को इकट्ठा करने वाला था। अब उसकी जगह अब धीरे धीरे मानव है जो यहाँ पर आग पही है, और इसके साथ में कृषि का भी शुरुआत हुई, कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, पशुपालन होना शुरू हुआ। अब जो पशुपालन हो रहा है, पशुपालन से दूध वगैरह उनको प्राप्त हो रहा है, अब उस पशुपालन के साथ साथ जो खाद वगैरह हो रही है उसका उपयोग कृषि वगैरह के कार्य में कर रहे हैं, यानी अब वो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, आग के कारण पका हुआ सामग्री खा रहे हैं, पहिए के आविष्कार के कारण उनके जो मदबांड वगैरह है अच्छी तरह से बनना शुरू हो गया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा अब जैसे खाद्य खाने की समस्या खत्म हो गई, विभिन्न प्रकार की समस्या खत्म होने के कारण मनुष्य के पास समय मिलने लगा, और उस समय के अंदर वो अपने समय का उपयोग है हथियारों के निर्माण में करने लगे, विभिन्न प्रकार के कलाओं के अंदर अपने कार्य को करने लगे, चित्र बनाने, गुफाओं वगैरह चित्र बनाने वगैरह, आसपास के अन्य मनोरंजन के कार्य में उन्होंने समय व्यतीत करना शुरू किया, मनुष्य ने सोचना समझना शुरू किया, और इसी के साथ में मनुष्य ने बहुत तेजी से क्या होगी प्रगति करना शुरू कर लिया। अब खाद्य संग्राह के रूप में उस समय मनुष्य क्या करता था, शिकार पर जाते थे सामूहिक रूप से, शिकार करके आते थे और उसको जब तक खाते थे तब जब समाप्त होता था तो वापस दूसरी जगह जाते, या फल और सब्जियों का जो उत्पादन होता था विभिन्न जंगलों में जाते फल वगैरह खाते, और वहाँ जैसे फल वगैरह समाप्त हो जाते वो उस क्षेत्र से हटके पलायन करके दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर इनकी आवश्यकता महसूस होती वहाँ पर चले जाते। तो अब थोड़े देखते हैं किताब के अंदर क्या इसमें दे रखा है, वो मुख्य रूप से दो जो इसके मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन देख लेते हैं। अब कालों में इसे बांटा है, फिर भारत में कौन कौन से क्षेत्र से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर अपन को ये भारत के अवशेष अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं इनके पशु। इसके अलावा अपन को इनके आखेट की जानकारी, पशुपालन की भी विभिन्न क्षेत्रों से इनकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा नदी और इनके किनारे पर भी अपन को इनके बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर इनके जो मुख्य हथियार थे उन हथियारों में एक तो कुल्हाड़ियाँ मुख्य रूप से प्रस्तुत हुई है, चूल्हा है, छिद्रित वर्त है, हथौड़ा है, छिल्लोड़ा है, ओखली आदि ये जो प्रमुख इनकी हथियारों के रूप में उपयोग होता था। अब प्रागैतिहासिक शैलकला, अब जैसा कि मैंने बताया कि जब मनुष्य के पास में समय बचने लग गया तो उस समय को उन्होंने चित्रों वगैरह के रूप में बनाना शुरू कर दिया। तो अपन ने है तत्कालीन समय के जो बहुत बड़ी गुफा है भीम बेटका वगैरह, उन गुफाओं के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार के शिकार के वगैरह चित्र बनाए, जो सामूहिक शिकार वगैरह के अपन को चित्र मिलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के इनके जो कलाओं के वगैरह अपन को इस तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।